लव बर्ड हो तो सारू सारू ए तन के सामने जो सारू नि तो मैं शिकार खतरा है ते तो से के रखी चाय छले आज तक दीदी कमरे में नाम मरने का लगे तारा एक तो हालत इस तरह की बनी हुई है। इधर तो 15-16 घर हैं, ऐसे 25-26 कमरे में बैठते हैं, मगर 5-6 मकान जो हैं वो बिल्कुल करेगी गिरने की कतार पे आ चुके हैं। तो बाकी मकान जो वो खतरे में हैं वो भी आसपास हैं साइडों पे, और 5 मकान जो बिल्कुल मस्जिद है उसमें 4 मकान है जो बिल्कुल। कितना ज्यादा परेशान है आप, और रात को कहाँ बैठते हैं आप? कहाँ रात को हम पहरा देते हैं कि कहीं कब गिरेगा, बाहर ही कुछ बैठते हैं कुछ बैठते। सर उन्होंने बोला कि आप कमेटी आएगी, किया फोन आप NHD साल वालों को परसों में फिर गया था ये लड़का मेरे साथ, उन्होंने भी यही बोला कि उधर है ही नहीं कुछ कुछ जमीन नहीं खिसकरी, आप लोग ड्रामाबाजी कर रहे हैं। तो सर बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट है आप में। बड़ा इम्पोर्टेंट है आप में से कितने लोग जो है सरकारी मुलाजिम है? सर कोई भी नहीं सर। ऐसे क्या करते हैं? सर यही मजदूरी करते हैं सर, वो भी काम है नहीं, आज कल रेत का काम करते वो भी है नहीं, कई दिन लगा तो लगा नहीं तो बेकार है सर, यही जिम्मेदारी थी, ये भी जमीन में सब खिसक गई सर, तो बस सब बेकार। मेरा घर गिरा था सर July 8 को, उसके बाद मैंने जब DC साहब के पास गया उन्होंने दिया लिखकर उनके लिए कि घर इसको करो, पूरा एरिया क्रैक हो रहा है और ये पूरे काफी ज्यादा यहाँ घर गिर रहे हैं, और मैं बड़ा हैरान हूँ कि इतने जनरल से इशू को बड़े लेवल पर रेज नहीं किया गया, और ये आप पता है कि आजकल बारिश कितनी तेजी। बलूचिस्तान न्यूज़ और मैं हूँ वसीम गतू। इस वक्त हम ठीक पुलडोडा से लगभग जो स्टार्टिंग पॉइंट किश्तवाड़ की तरफ निकलता है गढ़सू का इलाका आता है वहां पे हम मौजूद है, और इस इलाके के अंदर दहशत देखी जा रही है। आपको हम जानकारी देना चाहेंगे, जब इस इलाके के अंदर हम पहुंचे यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनकी तरफ से बताया गया कि जो नेशनल हाईवे का काम लगा है उसकी वजह से जो हम देख रहे हैं कि मकानों के अंदर जो है दरारें आना स्टार्ट हो गई। मैं कैमरामैन से बताऊं थोड़ा नजदीक आके ये तस्वीरें आपको हम दिखाएं कि किस तरह के हालात इस इलाके के अंदर बने हुए हैं, और इलाके की आबादी जो है काफी ज्यादा परेशान भी देखी जा रही है। और इस घर के अंदर हम जाएंगे दिखाना चाहेंगे, लगभग 15-16 घर हैं इस इलाके के अंदर, और यहाँ पे इस तरह की दहशत और इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह के हालात यहाँ पे बने हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो परेशान काफी ज्यादा है। दराड़े आप देख लीजिए, जिस तरह से आपने देखा था कि ठाठरी के इलाके के अंदर ये चीजें देखने को मिली थी, मगर अब हम देख रहे हैं कि जो गढ़सू का इलाका है वहां पे भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और इस इलाके के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। और इनका यह भी मानना है कुछ बरस पहले इस तरह के हालात बने थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पे आए थे और दूसरी जगह पे हमें कुछ टाइम के लिए जो है रखा गया था टेम्परेरी बेस पे सरकारी स्कूल में। कुछ लोग इनसे बातचीत करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे आपका नाम क्या है और यहीं के आप रहने वाले हैं और कब इस तरह के हालात बने। मेरा नाम निशाद अहमद है, हम यहाँ पर बहुत अरसों से रह रहे हैं, बहुत पुराने सदियों से यहाँ पर हम बसे हैं। तो जब ये हमें दुकान पहले हमने यहाँ पर बनाए थे, हमें ठीक थे यहाँ पर, जब से ये रोड की कटिंग शुरू हो गई उस दिन से हमें कभी इधर निचारे कभी निचारे उधर कटिंग करते करते सब मकान जो है डैमेज, उस दिन से स्कूल में हमें शिफ्ट किया इन्होंने। तो उसके बाद हमारी फाइलें शैलें इन्होंने बनाई तो वो DC ऑफिसर पड़ी है, तो बस उसके बाद इन्होंने कोई पूछताछ नहीं की। किधर से शिविर साहब वो तहसीलदार होते थे वो इधर आते थे, हमें कहीं देखभाल करते थे, उन्होंने बहुत यहाँ पर किया था, तो हमारा ध्यान भी रखा था उन्होंने कि उन्होंने बोला था कि हम आपको जमीन देंगे मकानों का ये कंस्ट्रक्शन देंगे, जो वो फाइल है भाई हमारी DC ऑफिस में सड़ भी गई मगर उसके बाद किसी ने पूछा नहीं। पिछला DC जो था उसके बाद दूसरे DC साहब आए, फिर अब ये DC साहब आए, इनके पास हम गए, इन्होंने एक्सप्रेशन दिया था कि हम आपके पास आएंगे, मगर ये बारिश लग गई, 2-3 दिन हो गए बारिशों का सिलसिला जारी, वो अपने काम में बिजी थे वो नहीं आ पाए यहाँ पर। तो उसके बाद जो कि हमारा मकान ज्यादा ये क्रैक होने की कगार पे आ गए। लगभग कितने घर हैं जिनकी हालत इस तरह की बनी हुई है? इधर तो 15-16 घर हैं, ऐसे 25-26 कमरे में बैठते हैं, मगर 5-6 मकान जो हैं वो बिल्कुल करेगी गिरने की कतार पे आ चुके हैं। तो बाकी मकान जो वो खतरे में हैं वो भी आसपास हैं साइडों पे, और 5 मकान जो बिल्कुल मस्जिद है उसमें 4 मकान है जो बिल्कुल। तो कितना ज्यादा परेशान है आप, और रात को कहाँ बैठते हैं आप? कहाँ रात को हम पहरा देते हैं कि कहीं कब गिरेगा, बाहर ही कुछ बैठते हैं कुछ बच्चे वगैरह टेंटों शंटों में डाले इधर उधर कहीं साइडों में किए, तो अभी फिलहाल कोई हमारे पास पहुंचा नहीं है। क्या मानते हैं आप, क्यों नहीं बीच का रास्ता निकाला गया, अगर कुछ बरस पहले इस तरह के हालात बने क्यों इग्नोर आपको किया गया? ये जो कंपनी वाले यहाँ से लेते हैं रिकॉर्ड ड्यूटी बनाकर जो आते हैं, ये कंपनी के कुछ आते हैं यहाँ पर लिखते पढ़ते बोलते हैं यहाँ जी रोड से ये ऊपर है तो हमें इससे कुछ नहीं, तो ये मतलब ये करेगा DC साहब ही करेगा जो करेगा, बस ऐसे सिचुएशन दे रहे, तो हम जाते हैं DC साहब से भेजते हैं हमें तहसीलदार के पास, तहसीलदार बोलते हैं नहीं जी हमने DC साहब से फाइल दी आप जाओ वहाँ,
वहाँ से परसों हमने जो फाइल दी दरखास्त दी, उन्होंने बोला कि आप जाओ कंपनी वालों के पास। कंपनी वालों ने बोला कि हम दो दिन तक आपके पास आएंगे। तो आज 8-10 दिन हो गए कोई हमारे पास नहीं आया, तो इसलिए हमने उनको बोला कि हमारा कुछ बंदोबस्त करो, हमें या तो यहाँ से शिफ्ट करो, कहीं हमें जमीन दो, ये जमीन भी हमारी मतलब थोड़ी थोड़ी खिसकती हुई नजर आ रही है, खिसक रही है आस्ता आस्ता, खिसक रही है नीचे के लिए खिसक रही है। इसलिए हमने उनको बोला था कि वो इस टाइम तक कोई हमारे पास, तो हम आपका शुक्र करते हैं आप हमारे तक पहुंचे, यहाँ तक आप हमारी आवाज आगे तक पहुंचाएं, हमारा कुछ बंदोबस्त करें। हमारा कोई क्या लगता है अगर इसी तरह का हालात रहे कोई बड़ा नुकसान इस इलाके के अंदर हो सकता है? बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि देखो परसों भी रात को ये सोए थे तो रात को ये क्रेक हो गया नींद में ही, सुबह जब जागे इन्होंने देखा तो फिर इन्होंने मकान कुछ खाली कर दिया, कुछ अभी सामान अंदर ही पड़ा, डालेंगे किसी घर में लेकर, सबको अपने में दो दो कमरे बैठने के लिए है, दो दो तीन तीन कमरे सबको अपने में गुजारा सबको है, अब किसके घर में जाएंगे। पहले इन्होंने 3 महीने में 4 महीने में स्कूल में रखा है इन्होंने, मतलब जब पहले डीसी थे यहाँ। ये कब की बात है? 2021 की 2021 में 22 में इन्होंने हमें शिफ्ट, 21 में काम लगा, 22 में इन्होंने शिफ्ट किया। जब पानी का एरिया वहां पर चला, वहां पर एक मकान गिर गया उस टाइम, उस टाइम उन्होंने फाइलें शाइलें तैयार की, यहाँ से भी कटिंग कर रहे थे, बाद में जब इन्होंने कटिंग करने की क्रेक हो गया, फिर मशीने ऊपर चढ़ाई इन्होंने मकानों तक, ये मलबा नीचे से ऊपर उतारा, फिर उसके बाद जब मकान थोड़े थोड़े क्रेक हो गए हमारे, अब उस दिन से हमने इनको बोला कि हमें कहीं शिफ्ट करो, ये मकान हमारे गिर जाएंगे। तो उस दिन से हमने कोई टसे मसे यही बोलते हैं, कभी बोलते हैं ये पुरानी पस्सी थी, कभी बोलते हैं कुछ इधर साफ नजर आ रहा है नीचे कटिंग की है, ये इनकी कटिंग से ही नुकसान हो रहा है हमारा। डिप्टी कमिश्नर साहब नए हैं, क्या अपील करेंगे उनसे आप? हमें उनसे उम्मीद है कि उन्होंने परसों भी विश्वासन दिया था हमें कि हम इधर से आपको उधर जाएंगे, इनको कंपनी वालों को लिखा उन्होंने, हमारी कंपनी वालों को कोई टसे मस नहीं है। ये कंपनी कौन सी है? NHDCL। आपका नाम क्या है और क्या बताना चाहेंगे? आप भी इस इलाके के रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम अहमद सागर। इसाक साहब, क्या परेशानी, कितनी ज्यादा परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी सर, इन्होंने एक साल से हमें इधर लटका के रखा है, डेली बोलते हैं आपका बनाया मौजा बनाया ये वो जनाब सब कुछ, तो आज तक किसी को मिला ही नहीं। जो भी आता है तो इधर से झूठी खबरें लेते हैं जनाब, वो महफूज है बिल्कुल, तो आप खुद ही देखिए कौन से महफूज। नुकसान कितना ज्यादा है? नुकसान बहुत है, सब मकानों का नुकसान है। लगभग कितनी फैमिलीज होंगी इधर? तकरीबन 13 घर है और कम से कम 20-25 फैमिली है जी। क्या अपील करेंगे एलजी सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, किस तरह की अपील होगी? अब हमें यही अपील है कि नए डीसी साहब आए तो क्या पता हमारे बारे में कोई अच्छा सोचेंगे, कोई बीच का रास्ता निकलेगा। जी जी जी, उन पे उम्मीद है अब हमें। आपका क्या नाम? जी सर, मेरा नाम फरीद अहमद है सर। फरीद साहब, क्या बताना चाहोगे, कितनी ज्यादा परेशानी आ रही है? जिस तरह सब देख रहे हैं कि आस्ता आस्ता जमीन भी खिसक रही है, मकान भी खिसक रहे हैं, और यही तस्वीरें हमने देखा था खाटरी के अंदर भी है। जी सर, तो अब जो है इस गड़सू के इलाके के अंदर भी वही हालात बने हुए हैं, कितना डर है, खौफ में कितना ज्यादा इस इलाके की आबादी है? जी सर, खौफ तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि रात को अब देखो आप ये क्रेक हो गए, क्रेश हुए मकान, अगर कोई रात को मर जाए जिम्मेवार कौन है सर? क्योंकि हमने बहुत दफा डोडा में NHDCL के पास में गया, खुद GM के साथ मैंने बात खुद की सर, वो तो बोलते हैं कि उधर है ही नहीं कुछ, आप लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो आपकी एक बल्ली भी गिरती आप आते इधर की जमीन खिसक रही सर, आप देखो जमीन खिसक रही यानी खिसक रही। हमने डीसी साहब से मैंने खुद बात की 2 दफा, बोला सर आप आओ उधर सर 5 मिनट आओ आप देखो आपकी, हम सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं सर, अब आता नहीं कोई सर। उन्होंने बोला कि आप कमेटी आएगी, किया फोन आप NHDCL वालों को परसों में, फिर गया था ये लड़का मेरे साथ, उन्होंने भी यही बोला कि उधर है ही नहीं कुछ, कुछ जमीन नहीं खिसक रही, आप लोग ड्रामाबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप में से कितने लोग जो है सरकारी मुलाजिम है? सर कोई भी नहीं सर, ऐसे क्या करते हैं सर? यही मजदूरी करते हैं सर, वो भी काम है ही नहीं, आजकल रेत का काम करते हैं वो भी है ही नहीं, कहीं दिन लगा तो लगा नहीं तो बेकार है सर, यही जिम्मेदारी थी, ये भी जमीन सब खिसक गई सर, तो बस सब बेकार। मेरा घर गिरा था सर July 8 को, उसके बाद मैंने जब डीसी साहब के पास गया, उन्होंने दिया लिखकर उनके लिए कि घर इसको करो उधर बना कर दो या मौजूद, उन्होंने बोला आगे से करेंगे आज रिपेयर कल करेंगे सर, मुझे ऐसे ठगाते गए आज समझो 7-8 महीने हो गए सिर्फ ठगाते हैं खाली सर, आता नहीं कोई, आप बोला है आएंगे कल या परसों, अभी पहुंचा नहीं कोई भी। डिप्टी कमिश्नर साहब से किस तरह की उम्मीदें रखी हुई है? जी सर, उम्मीदें हमें बहुत है उनके साथ, क्योंकि अच्छे डीसी साहब है, उन्होंने बोला कि मैं खुद मौका करूंगा, मैं करूंगा अपनी मर्जी से, कब करना ये नहीं बताएंगे हम, मगर मैं खुद आऊंगा उधर मौके, तो हमें उम्मीद है सर अगर आएंगे तो अच्छी बात है सर, वेलकम करेंगे हम उनका सर। आंटी क्या बताना चाहोगे, आपकी आंखें नम है, कितना ज्यादा परेशान हो? देखो तेरा शान बड़ी है, जखना काम वाला को मिजा में तो निशे मकाना सला है, जने किचन बो है, जखन ताई लव बड़ो तो सारू सालू तन के सामने जो सारू मिजा में इसे घर खतरा है, ते तुस केरा की चाय छले अस्त को दीदी कमरे में नाम मनने का लागे तारा, ए तो सी फ्रोट साल का ए आई कोई लेखे ने लान तारा बाती कौन करते बाती आए तारे मिलो में हरा तू डंगन से नहीं तो डंगा देता हूँ वो डंगन से ना लाऊं टिकट होना चालू बाहर रहा है तो संदेह पैसा तक बनाओ मेरे पास जमीन दे तो जमीन देता हूँ पैसा भी देता हूँ कोई दिक्कत नहीं पैसा
किछ नहीं किछ नहीं ये बार मारे बुन बुन आने मेरे ऐसे अरे शिमकान कि तू शिव जाए शिमकान उन तक शिमकान कंटो ना तो जो रहा मगर दखने कटाई लाई थी शिमकान सालों कितने टाइम से इस इलाके के अंदर बस रहे हैं आप इडिया सन बड़ू सिर भरू है ना शोर से दे तो शोर से के शोर से इस दुनिया नहीं लग रही इस दादा दादी बस रहे आज ना दोनों ही खालसा एक फलान हुए तो शिव तेरी खालसा यार डीसी साहब से क्या अपील करेंगे डीसी से कौन कह रहे हैं दाने सलाह शताने तो उनको कह मारी असि कोई बेचारी असि लग रूनी है असि सल रूनी है जरूर तो बगू ना सदो सदो रूना चलिए जी डिप्टी कमिश्नर साहब से और सरकार से अपील ये कर रहे हैं कि जो भी हमारी जनमन बात है उसको देखा जाए क्योंकि इस मकान की तस्वीरें आप देख लीजिए परकच्चे इस मकान की उड़ गई हैं कभी भी ये गिर सकता है जिस तरह से इलाके की आबादी बता रही है कि इंतजार हम लोग कर रहे हैं कब ये गिरे और उसके बाद जो है हालात बनेंगे उसके बाद तस्वीरें क्या बनेंगी वो हम जान सकते हैं क्योंकि हमने ठाठी के अंदर भी देखा था दरबदर वो लोग थे परेशान वो लोग थे और मासूम बच्चे मैं कैमरामैन से बताऊं मासूम बच्चे यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जो काफी ज्यादा परेशान है इलाके की आबादी परेशान और बताया जाता है कि यहाँ पे 13 घर है और उसके साथ मस्जिद भी है मस्जिद भी यहाँ पे खिसकी हुई नजर आ रही है और जमीन आप देख रहे हैं कि आस्ता आस्ता ये जमीन जो है खिसकती हुई नजर आ रही है ये मंजर जो है वो सही नहीं है। मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पे पहुंचेंगे इस सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे जो भी इन लोगों की जनमन डिमांड है उसको पूरा किया जाए और इनको कहीं ना कहीं रात की सांस देंगे। गुलिस्तान न्यूज के लिए वसीम गत्तू डोडा। पूरा का पूरा एरिया क्रैक हो रहा है और ये पूरे काफी ज्यादा यहाँ गिर रहे हैं और मैं बड़ा हैरान हूँ कि इतने जनमन से इशू को बड़े लेवल पर रेज नहीं किया गया है और ये आप पता है कि आजकल बारिशें कितनी तेजी से आ रही हैं अभी लैंडस्लाइड भी काफी जगह हो रहा है। मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर शायद इनके काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है तो आपके माध्यम से मेरी अपील है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द यहाँ टीमें भेजनी चाहिए क्योंकि किसी भी मतलब किसी भी टाइम पूरे घर नीचे गिर सकते हैं। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि इस तरफ ये देखा क्यों नहीं जा रहा है। आपके माध्यम से मेरी बिल्कुल एक रिक्वेस्ट है अच्छे लेवल पर कि प्लीज इस यहाँ टीमें जल्द से भेजी जाए और इनको रिलोकेट किया जाए इनको कहीं प्रॉपर तरीके मतलब प्रॉपर जगह पे जहाँ इनका नुकसान वगैरह ना हो और इनका माली जो इनके अपनी अपना जो फैमिलीज हैं या इनके जो भी अपने अपना सामान वगैरह वो सेफ जगह पहुंचाया जाए।